मैं मम्मी को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर पापा को? रिंकी तुम्हारे पापा नहीं है तो मुझे कंट्रोल करना, लेकिन मुझे जानना है अगर मैंने पापा को कंट्रोल करना चूज किया तो क्या होगा। आई होप मम्मी को ना पता चले कि मैंने पापा को कंट्रोल किया है। रिंकी बेटा तुमने मुझे चूज किया है ना? हाँ मम्मी। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे पापा के साथ हुआ क्या। मेरे पापा किस कलर का शर्ट पहने, व्हाइट या फिर ऑरेंज? ऑरेंज, इससे मुझे उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। वो डिनर में क्या खाएं, बर्गर या फिर पिज्जा? मेरे पापा हेल्दी नहीं खाते हैं क्या? पिज्जा। तुमने क्या चूज किया, अपने मॉम को कंट्रोल करना या फिर अपने डैड को? मैंने चूज किया अपने पापा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तुम्हारे पापा तो मर गए थे ना? हाँ, जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा मर गए, तो तुमने फिर भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए चूज किया? हाँ, और मैंने तो कल रात में उनको डिनर में पिज्जा भी खिलवाया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? अगर तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारे पापा जिंदा है। जिंदा है? मेरे पापा घर के अंदर है या फिर घर से बाहर निकले? इसका मतलब मेरे पापा सच में जिंदा है। घर से बाहर निकले, अगर वो घर के अंदर रहेंगे तब तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। बेटा आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई, आप इतनी मासूम मत बनिए, मुझे सब पता चल गया पापा के बारे में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुमने पापा को कंट्रोल करने के लिए चूज किया था? हाँ, और मुझे ये भी पता चल गया कि वो जिंदा है। तुम सच में पागल, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बाद में पछताओगी। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने तो मुझसे हर टाइम झूठ बोला। पापा हमारे घर पे आ जाए या फिर मॉल में जाए, घर पे आ जाए, इससे तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, मुझे उन्हें हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये मम्मी इतना तेज क्यों चिल्ला रही, शायद पापा को देख के खुश हो गई होंगी। मम्मी आप इतना तेज चिल्ला क्यों रही हैं? क्या तुमने अपने पापा को यहाँ पे बुलाया है? मम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके हस्बैंड वापस आ गए, अब इतनी सरप्राइज क्यों है? बेटा मैं कब से दरवाजे पे ही खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं रिंकी प्लीज दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों? रिंकी बेटा इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो। देखो बेटा अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो तुम बहुत पछताओगी। मम्मी मेरा हाथ छोड़िए। हाय पापा। हाय बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आइए अंदर आइए। फाइनली इतने साल बाद हम एक साथ हैं। मम्मी आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? रिंकी तुमने इसे अंदर रह के बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्यों, अब तो हम सब एक साथ हैं ना। ये पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? रिंकी बेटा जल्दी से यहाँ आओ। हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ पापा? तुम्हारी मम्मी ने मेरे हाथों को काट लिया। मम्मी ने काट लिया? हाँ। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं काटा। ये देखो मेरे हाथों पे निशान। ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद से काटा। मम्मी आप कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं। पापा क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा सबसे ज्यादा किसको प्यार करे, मुझे या फिर मम्मी को? मुझे ऑलरेडी पता है कि पापा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मम्मी को चूज करूंगी। ये हेल्प करेगा उन दोनों को एक साथ फिर से आने में। हाँ ये तो हमारी फैमिली पिक्चर है ना, इसको किसने फाड़ा? मुझे नहीं पता, मैंने भी इसको ऐसे ही देखा था। हाँ हमारी फैमिली पिक्चर, इसको किसने फाड़ा? रिंकी ने फाड़ा, आई थिंक वो मुझे एज अ डैड एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। नहीं मैंने इसे नहीं फाड़ा, मुझे भी ये ऐसे ही मिला। अगर पापा ने ये झूठ बोला कि मैंने वो पिक्चर फाड़े, इसका मतलब उन्होंने ये भी झूठ बोला था कि मम्मी ने उनको काटा है। पापा कैसे बिहेव करे, एक नॉर्मल पर्सन की तरह या फिर वो जैसे हैं वैसे? पापा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो एक्चुअल में कैसे हैं। रिंकी अब तुम अपने पापा का क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता मम्मी। क्यों? अच्छा तो ये बता तुमने लास्ट टाइम क्या चूज किया? मैंने चूज किया कि वो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाएं। क्या इसका मतलब आज तुम्हें दिख जाएगा कि वो कितने बुरे हैं, इसीलिए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था। क्या वो अच्छे इंसान नहीं है? ओ रिंकी तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें जल्दी से ये घर छोड़ के भागना होगा। भागना पड़ेगा? हाँ जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मम्मी ये दरवाजा लॉक क्यों है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों ये घर छोड़ के यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगी? पापा प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मदद? लेकिन कैसी मदद? तुम्हें अपने दादा दादी को मारना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझसे हमेशा से बुरा बर्ताव करते थे, मैं तो उन्हें कब का मार देता, लेकिन ये तुम्हारी माँ ने रोक लिया मुझे। लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम उन्हें मार दें। तुम लोग नहीं समझोगे, अब मैं उन दोनों के साथ साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा। ये कैसा ऑप्शन है, मैं पापा को मार दूं या फिर जिंदा रखूं? दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आई एम रियली सॉरी, अब मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। नहीं आई एम सॉरी, जो मैं करने वाली हूँ अभी उसके लिए। क्या तुम क्या करने वाली हो अभी? गुड बाय पापा। नहीं रुको, मैंने कहा रुक जाओ।